नाउ वो नेक्स्ट सेक्शन ही सेक्शन डी। प्रीवियस क्लास में हमने सेक्शन सी कंप्लीट किया था, ठीक है। तो देखो जो आपका क्वेश्चन नंबर 32 है, दैट इज सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली। आपको ग्राफिकली इसको सॉल्व कर, और इसमें आपको मैक्सिमाइज करना है फंक्शन दैट इज जेड इक्वल टू 50x + 15y, और जिसमें सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स आपके क्या है, 5x + 5 < इक्वल टू 100, x + y < इक्वल टू 60, और xy > इक्वल टू 0। तो जो हमारा कंसेप्ट होता था वो क्या होता था, हम कॉन्स्टेंट्स को सॉल्व करके ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ से हम क्या फाइंड करते हैं, कॉर्नर पॉइंट, और कॉर्नर पॉइंट्स को फिर हम यहाँ पे पुट करते हैं एक्स और वाई की जगह, और फिर अगर मैक्सिमाइज कह रहे हो तो किस पॉइंट पर वो मैक्सिमम है और क्या उसकी वैल्यू है वो हम फाइंड करते हैं। ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, देखो 5x + 5 < इक्वल टू क्या है आपका 100। ये तो अनइक्वालिटी है, सॉल्व करने के लिए आप इसको कैसे लिखोगे, 5x + y = 100, यस और नो। ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई। एक बार आप वाई को जीरो ले लोगे तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 20, और एक बार आप एक्स को जीरो ले लोगे तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 100। ये क्लियर, ठीक है। फिर सेकंड है आपकी ये, इसको आप लिखोगे x + y = 60। फिर आपने लिखा होगा एक्स और वाई, अगर वाई को जीरो लोगे तो x 60, और एक्स को जीरो लोगे तो, अगर वाई को जीरो लोगे तो x 60। ये क्लियर हो गया भाई, एक्स को जीरो लोगे तो वाई की वैल्यू 60 आएगी, और वाई को जीरो लोगे तो एक्स की वैल्यू 60 आएगी। ये क्लियर। फिर आपने बनाया होगा ग्राफ। अब अगर मैं, सही हो गया आपका ग्राफ। अब यहां अगर आप पॉइंट लेते हो, लाइक ये हो गया जीरो, ये हो गया 20, 40, 60, 80, और इसी तरह से ये मान लो 100। ये क्लियर। ऐसे यहां आपने ले लिया 20, 40, 60, 80 और 100, कुछ ऐसे किया होगा आपने, ठीक है। अब देखो 0 पर 20, 0 पर 20, 0 पर 20, तो ये वाला पॉइंट हो गया, नहीं 20 पर 0 है, 20 पर 0, तो ये वाला पॉइंट हो गया, x 20 है ना, और यहां पर x 0 है, 0 पर 100 है, 0 पर 100। ये तो जो लाइन आपकी फर्स्ट इस यहां से जो आपकी ग्राफिकल लाइन प्रेजेंटेशन होगी वो कुछ ऐसे आई होगी, ये समझ में आ रहा है, ठीक है। अब यहां देखो ये हो गया 0 पर 60, तो 0 पर 60 ये ऐसे हो गया, और फिर हो गया 60 पर 0, इससे आपकी ग्राफिकल लाइन कुछ ऐसे आई। ये भी क्लियर। फिर आपने फाइंड किया होगा, देखो 0 0 टेस्ट, तो जब आपने यहाँ 0 0 टेस्ट किया होगा तो ये कह रहा है 0 < इक्वल टू 100, आपका टेस्ट पास हो गया। जब आपने यहाँ इस इक्वेशन में 0 0 टेस्ट किया होगा तो यहाँ पर आएगा 0 < इक्वल टू 60, तो दोनों में जो शेड है आपका वो अंदर की तरफ आ रहा है। तो कैन आई से दैट जो कॉमन शेड आएगा आपका वो ये होगा, यस और नो। अब देखो यहाँ पर कौन कौन से पॉइंट आ रहे हैं, इसमें जो पॉइंट आ रहे हैं आपके, ये तो हो गया ओ पॉइंट, जिसको आप क्या कहोगे 0,0। ये पॉइंट भी आपका निकला हुआ है, ये हो गया आपका 20,0। ये पॉइंट भी आपका निकला हुआ है, ये हो गया 0,80। आपको सिर्फ ये वाला 0,60, 0,60 आपको सिर्फ ये पॉइंट निकालना है जो इन दोनों लाइन का क्या होगा, इंटरसेक्शन, जो इन दोनों लाइंस का क्या होगा, इंटरसेक्शन। तो अगर मैं इंटरसेक्शन पॉइंट निकालता हूं तो आपने लिखा होगा 5x + y = 100, और आपने लिखा होगा x + y = 60, यही है दो लाइन आपकी, माइनस 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 ये कैंसिल, तो 4x = क्या आ जाएगा आपका 40, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 10। ये क्लियर। फिर आपने x को पुट किया होगा, अगर मैं यहाँ 10 पुट करता हूं तो y क्या आ जाएगा 50, तो ये वाला जो पॉइंट है आपका ये आ गया आपका 10,50। ये क्लियर, ठीक है। अब देखो फिर क्या करते हैं, हम फिर एक टेबल बनाते हैं, फिर आप एक टेबल बनाते हो लाइक दिस, जिसमें एक साइड में आप लिखते हो कॉर्नर पॉइंट्स,
क्या लिखते हो? कॉर्नर पॉइंट, और एक साइड में हमारा फंक्शन आ जाता है, ठीक है। एक साइड में क्या आ जाता है आपका? फंक्शन। फंक्शन की वैल्यू क्या थी? फिफ्टी एक्स प्लस 15 y, ये थी राइट। अब देखो, अब एक एक करके आपने यहां पर कॉर्नर पॉइंट्स को पुट किया होगा। ओ तो है आपका 0,0, तो जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। फिर आपने पुट किया होगा लेट दिस पॉइंट भी ए, तो ए पॉइंट आपका क्या हो गया? 20,0। तो यहां पर 20 पुट करोगे तो 50 × 20 कितना आ गया होगा? 50 × 20 1000। तो यहां पर आपके फंक्शन की वैल्यू 1000 आई होगी। ये हो गया मान लो पॉइंट बी, 10,50। तो आपने बी लिखा 10,50, तो जब आपने एक्स की जगह 10 पुट किया होगा और वाई की जगह 50 पुट किया होगा, तो ये तो आ जाएगा आपका 500, ये आ गया होगा 750, तो ये आपका 1250 आया था, यही आया है। फिर हो गया पॉइंट सी, पॉइंट सी आपका 0,60, 0,60। यहाँ जब आपने पुट किया होगा तो जेड की वैल्यू क्या आई होगी आपकी? 0 + 15 × 60, 15, ये आपका 900 आया होगा। तो जो मैक्सिमम वैल्यू आई है आपकी, वो आपकी आई होगी 1250, और किस पॉइंट पर आई होगी? 10,50। क्लियर हो गया क्वेश्चन? ठीक है, ये तो था इसका कंसेप्ट, ठीक है। अब प्रेजेंटेशन अगर आप देखो एग्जैक्टली, तो पहले आप इसी तरह से लीनियर इनइक्वालिटी को सॉल्व करोगे, ठीक है। फिर आपने इसको सॉल्व किया होगा तो ये इस तरह से आपने टेबल ले लिया, ये आपका ग्राफ इस तरह से बनेगा। फिर आपने जो ग्राफ बनाया आपका वो इस तरह से बनेगा, ठीक है। फिर 0,0 दोनों में पास हुआ था तो यही मेरा शेडेड रीजन आ गया, ठीक है। इसमें ये पॉइंट 0,0 है, ये वाला जो पॉइंट है वो क्या था? 20,0। ये वाला जो पॉइंट है ये क्या हो गया? 0,60। ये आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अभी फाइंड किया, तो जब आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड किया दिस इज हाउ वी फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बी। तो एक्स की वैल्यू क्या आई थी हमारी? एक्स की वैल्यू क्या आई थी? 10, और वाई की वैल्यू क्या आई थी? 50। फिर जब आपने सभी को पुट किया, तो यू कैन सी दैट 0,0 पर वैल्यू क्या आएगी? क्या आई है आपकी? 0। 20,0 पर कितनी आई है? 1000। और 10,50 पर हमारी वैल्यू कितनी आई थी? 1250। यहाँ आप देखो 1250 आ रही है, और ये आपका आगे 9। तो इसका मतलब जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा? वी विल से दैट, जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड होगी वो होगी 1250, और किस पॉइंट पर होगी? 10,50 पर। क्लियर हो गया क्वेश्चन? ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 33। एंड द क्वेश्चन इज शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 गिवन बाय आर इज इक्वल टू ए पी सच दैट मॉडुलस ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय 2। अब देखो, दो नंबर का जो डिफरेंस है वो 2 से डिविजिबल कब होगा? जब उनको माइनस करके वैल्यू इवन आए, क्योंकि इवन नंबर ही 2 से डिविजिबल होता है, ठीक है। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए क्या प्रूव करना होगा? कि जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, और ट्रांजिटिव भी है। और उसके बाद फिर आपको ये भी कहा जा रहा है राइट ऑल द इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ आर, राइट ऑल द इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ आर। ये क्लियर हो गया? ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया? ठीक है, तो अब किस तरह से हम क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे, पहले ये देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, जो गिवन रिलेशन है वो यही है एपी सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय 2। और ये रिलेशन किस सेट पर है? ए सेट पर, जिसमें एलिमेंट क्या है? 1, 2, 3, 4, 5। अब आपको देखो, जब सिंगल सेट गिवन है तो रिलेशन ए टू है, पहले तो ये क्लियर होना चाहिए आपको, ठीक है। तो कैन आई से दैट ये रिलेशन तब भी एप्लीकेबल होगा जब ये डिफरेंस जो है वो एक इवन नंबर होगा। तो कैन आई से दैट 1, 1 जो है वो इस रिलेशन पर आएगा, बिकॉज 1 - 1 0। एक्स वाई की वैल्यू 2, 2 भी ले सकते हैं, देखो 0 तो 2 से डिविजिबल होगा, ये सारी वैल्यू तो आएंगी है। इसी तरह से 1, 3 आएगा, बिकॉज 1 और 3 का डिफरेंस क्या होगा? माइनस प्लस छोड़ दो,
उससे मतलब नहीं है डिविजिबिलिटी का, 1 और 5 भी आएगा। 1 के साथ क्या क्या आएगा आपको ये देखना है, 1 के साथ 3 आएगा, 1 के साथ 5 आएगा, ये क्लियर हो गया। 1 के साथ 2 और 4 लोगे तो ऑड नंबर आएगा। अब आप आ जाओ 2 के साथ, तो जब आप 2 की बात करोगे तो 2 के साथ 4 आएगा, 2 के साथ और कुछ आएगा नहीं आएगा। अब आ जाओ 3 पर, 3 के साथ क्या आएगा 5 आएगा, और 3 के साथ क्या आएगा 1 आएगा। अब आ जाओ 5 पर, 5 के साथ 1 आएगा, डिफरेंस इवन आएगा। 4 2 ये भी क्या होगा आपका इवन, 5 3 ये भी क्या आपको रिटर्न करेगा इवन नंबर, ये क्लियर हो गया। तो ये सारे नंबर आएंगे आपके। अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की, तो जब मैं रिफ्लेक्सिव की बात कर रहा हूं तो सेम नंबर का रिफ्लेक्शन का मतलब मेरा रिफ्लेक्शन मैं खुद ही हूं ना, ए ए, तो जहां ए बी लिखा हुआ है रिफ्लेक्सिव में आप क्या कहोगे इसको, ए ए ऐसे कहोगे। तो आपने कहा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, ए ए बिलोंग्स टू आर, देखो ए ए जितने भी हैं यहाँ पर वो सारे के सारे इसको बिलोंग कर रहे हैं। इस सेट से जो भी ए ए एलिमेंट्स का सेट बनेगा आपका वो सारा इस रिलेशन में दिख रहा है आपको, तो रिफ्लेक्सिव हुआ। तो इसका मतलब ये क्या हुआ रिफ्लेक्सिव। तो आपने कहा देयर फोर आर इज रिफ्लेक्सिव, देयर फोर आर इज रिफ्लेक्सिव, क्यों, बिकॉज 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 जो भी यहाँ पर ए एलिमेंट्स बनेंगे, ए एलिमेंट का सेट बनेगा वो सारा का सारा रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। सिमेट्री की कंडीशन क्या होती है, सिमेट्री की कंडीशन होती है कि अगर ए बी बिलोंग कर रहा है तो बी ए भी बिलोंग करेगा, कर रहा है। तो देखो यहाँ पर 1 3 है तो 3 1 भी है, अगर 1 5 है यहाँ पर तो 5 1 भी है, 2 4 है तो 4 2 भी है, 3 5 है तो 5 3 भी है, समझ आ रहा है। तो इसका मतलब ए बी अगर बिलोंग कर रहा है तो बी ए बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है सिमेट्रिक है, ये क्लियर हो गया। फिर हम आते हैं किसमें, ट्रांजिटिव में। तो ट्रांजिटिव के लिए आप कैसे हम कैसे डिस्कस करेंगे ट्रांजिटिव में, देखो पहले तो एक कंडीशन रखी जाती है कि ए बी बी सी पहले तो रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए, और अगर ऐसा है तो फिर आपका ए सी भी बिलोंग करना चाहिए जो यहाँ पर है। तो आपने कहा जितने भी यहाँ पर ए बी और बी सी है अगर वो आर को बिलोंग कर रहे हैं तो उनके साथ जो ए सी है वो भी आर को बिलोंग कर रहा है, इसलिए ये ट्रांजिटिव है। अब आपने इसको रीजन भी दिया, जैसे कि आपने कहा 1 3 मैं बोल सकता हूँ ए बी, 3 1 ये हो गया बी सी। तो आपने कहा अगर 1 3 3 1 बिलोंग कर रहा है तो ए सी 1 1 भी तो बिलोंग कर रहा है, रिफ्लेक्सिव था ना। तो इसका मतलब बाकी के भी कोई भी ऐसा केस होगा वो भी यहाँ पे बिलोंग कर रहे हैं, इसका मतलब ये क्या है एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, बिकॉज ये रिफ्लेक्सिव भी है सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, ये क्लियर हो गया। अब इक्विवेलेंस क्लास की बात करते हैं, तो देखो इक्विवेलेंस क्लास में मैं 1 की बात करता हूँ, पहले जो जो एलिमेंट है उन सभी को एक एक करके लेंगे। देखो 1 के साथ क्या क्या दिखाई दे रहा है, 1 के साथ 1 है और 1 के साथ क्या है 3 और 1 के साथ 5, 3 ही है। तो इक्विवेलेंस क्लास में क्या लिखोगे, जो 1 की इक्विवेलेंस क्लास होगी उसमें 1 3 5 आएगा, समझ आ रहा है। अच्छा 2 की बात करते हैं, अगर मैं 2 नेक्स्ट एलिमेंट है 2, 2 की इक्विवेलेंस क्लास क्या होगी, 2 के साथ क्या दिखाई दे रहा है, एक तो 2 और 2 के साथ क्या है 4, यही है ना, 2 के साथ या तो 2 है या 4 है। तो आप क्या कहोगे 2 की इक्विवेलेंस क्लास में क्या आ गया 2 और 4। अच्छा 3 के केस में 1 3 5, सिंपल सी बात है, कैसे देख रहे हो आप भैया, 3 के साथ कॉम डिफरेंस किस किस का इवन आ रहा है, 3 और 1 का, 3 और 3 का इवन है और 3 और 5 का, नंबर 1 से लेके 5 तक है। 4 के केस में मैं ऐसे देखूंगा 4 के साथ 2 इवन नंबर देगा, 4 के साथ 4 देगा, 5 के साथ 1 देगा इवन, 3 इवन इवन नंबर देगा और 5 देगा। तो ये आपकी इक्विवेलेंस क्लास होगी और ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। चलो मैं आगे, ठीक है, इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, इसका और है इसी क्वेश्चन में ऑप्शन है, लेट एन बी अ पॉजिटिव इंटीजर, ओके प्रूव दैट रिलेशन आर ऑन द सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर्स नंबर डिफाइंड बाय एक्स वाई वेयर वाई इज डिविजिबल बाय एन, वाई इज डिविजिबल बाय एन वेयर एक्स माइनस वाई, नॉट वाई, वेयर एक्स माइनस वाई इज डिविजिबल बाय एन, वेयर एक्स माइनस वाई इज डिविजिबल बाय एन, ये क्लियर हो गया, ठीक है, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन जेड। तो जो आपका रिलेशन है एक्स वाई पर वो क्या है, जो आपका रिलेशन है एक्स और वाई के बीच में वो क्या है कि एक्स माइनस वाई इज डिविजिबल, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था डिविजिबल बाय क्या था 2, यहाँ एक्स माइनस वाई डिविजिबल बाय क्या है आपका एन, ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल
जो रिलेशन है वो यही है एक्स वाई सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू इंटीजर एंड एक्स माइनस वाई इज डिविजिबल बाय एन। पहले बताओ ये चीज समझ में आ रही है, ये क्लियर है? ठीक है, और पहले हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की। मैंने कहा दैट एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर, ये एक्स के साथ एक्स ही लूंगा ना। अगर मैं एक्स और एक्स के साथ एक्स एक्स और एक्स कर दूं यहां पर, तो जो आप एक्स माइनस वाई कह रहे हो, देखो जो आप x माइनस वाई कह रहे हो वो अब क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स, और x माइनस एक्स क्या होगा, जीरो। जीरो तो किसी भी इंटीजर से किसी भी नंबर से क्या होगा, डिविजिबल होता है। तो रिफ्लेक्सिव हुआ, आपने कहा लेट x बिलोंग्स टू इंटीजर, x माइनस एक्स इज डिविजिबल बाय n। इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्स एक्स फॉर्म होगी वो आपके इंटीजर को बिलोंग करेंगे। इसका मतलब आर क्या आपका, रिफ्लेक्सिव। पहले बताओ ये क्लियर? ठीक है, फिर हम आता है सिमेट्रिक पर। सिमेट्रिक में आपने कहा कि भैया एक्स वाई यहां पर जो है इंटीजर को बिलोंग कर रहे हैं, अगर वो एक्स वाई बिलोंग करेगा इंटीजर को तो एक्स माइनस वाई जो भी होगा वो एन से डिविजिबल होगा। और मुझे एक बात बताओ, अगर आप ये कह रहे हो कि एट जो है वो डिविजिबल बाय फोर है, तो जब मैं एट को फोर से डिवाइड करूंगा तो कोई ना कोई कॉन्स्टेंट मिलेगा मुझे। तो इसी तरह से अगर मैं इस एक्स माइनस वाई से इस एन को डिवाइड करूंगा आई विल गेट सम कॉन्स्टेंट, और डिविजिबल है तो रिमाइंडर मेरा जीरो होगा, ये मानते हो? अब अगर मैं इसको वाई माइनस माइनस कॉमन लेके वाई माइनस एक्स कर दू अपॉन में एन इक्वल टू सी, ऐसे लिख सकता हूँ, ये माइनस यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो कहने से वाई माइनस एक्स इक्वल टू माइनस सी, बात तो अभी भी वही है। तो वाई माइनस एक्स भी तो डिविजिबल हो गया आपका, रिमाइंडर तो यहाँ भी जीरो ही आ रहा है भैया। एक्स वाई में अगर एक्स माइनस वाई था तो वाई एक्स में वाई माइनस एक्स है, इसका मतलब ये प्रूफ हो गया कि जो वाई एक्स है वो भी इंटीजर को बिलोंग कर रहा है, यस और नो? इसका मतलब ये प्रूफ हो गया कि जो वाई माइनस एक्स है आपका वो भी डिविजिबल बाय एन है। तो वाई एक्स भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, तो ये सिमेट्रिक हुआ कि एक्स वाई भी है और वाई एक्स, ये क्लियर हो गया। अब देखो ट्रांजिटिव कैसे प्रूफ करो, ट्रांजिटिव कैसे प्रूफ करो। आपने कहा लेट एक्स वाई एम, एबीसी होता है ना, एक्स वाई गिवन था, इसके साथ मैंने एक और नंबर ले लिया एम, लेट एक्स वाई एम बिलोंग्स टू इंटीजर, उनके बीच में रिलेशन ही है कि एक्स वाई तो रिलेशन को बिलोंग कर ही रहे, लेकिन ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन क्या रखनी पड़ती है, ए बी और बी सी। तो आपने कहा एक्स वाई बिलोंग कर रहा है और वाई एम भी बिलोंग कर रहा है, पहले बताओ ये चीज क्लियर है? एक्स वाई बिलोंग कर रहा है और वाई एम भी बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब अगर एक्स वाई बिलोंग कर रहा है तो एक्स माइनस वाई डिविजिबल बाय एन होना चाहिए। इसी तरह से अगर वाई एम बिलोंग कर रहा है एज पर कंडीशन, तो वाई माइनस एम भी डिविजिबल बाय एन होना चाहिए, पहले बताओ ये चीज क्लियर है? ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये डिविजिबल बाय एन है, जैसे कि आपने कहा एट है फोर से डिविजिबल, तो इक्वल टू क्या है, टू, क्या कहने से दैट एट विल बी इक्वल टू टू इंटू फोर। तो अगर आप कह रहे हो एक्स माइनस वाई को डिवाइड करके एन से सी आ रहा है, मैं बोल सकता हूँ ना एक्स वाई, एक्स माइनस वाई इक्वल टू एन सी, यस और नो? इसी तरह से अगर मैं ये कह रहा हूं कि वाई माइनस एम को एन से डिवाइड करके यहां से यहां पर सी आ रहा है, मानो यहां पर ए आ रहा है, मैं बोल सकता हूँ ना वाई माइनस एम इज इक्वल टू एन ए होगा, जिसमें सी भी कॉन्स्टेंट है टीचर को बिलोंग करेगा और ये ए भी कॉन्स्टेंट है टीचर को बिलोंग करेगा, ये क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? अब मैंने क्या किया, इसको ले लिया इक्वेशन वन, इसको ले लिया इक्वेशन टू, और दोनों इक्वेशन को ऐड कर, दोनों इक्वेशन को क्या कर दिया ऐड। अब देखो जब आप ऐड करोगे तो x माइनस वाई प्लस वाई माइनस एम, लेफ्ट हैंड में लेफ्ट हैंड इक्वल टू एन सी प्लस एन ए, क्लियर है यहां तक? अब देखो y से y कैंसिल, क्या आ गया x माइनस एम, तो ये भी तो n इंटू सम कॉन्स्टेंट वैल्यू आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि x माइनस एम इज ऑल्सो डिविजिबल बाय n। समझ में आ रही है मेरी बात, कैसे इसको प्रेजेंटेशन समझ में आ रही है, यही हुआ ना, n इंटू कुछ भी ऐसे मुझे मतलब नहीं है, क्लियर है तक? ठीक है, n आ रहा है, n इंटू समथिंग आ रहा है, ये तो कॉन्स्टेंट वैल्यू है, उसका मतलब ये हो कि x माइनस एम जो है आपका ये भी क्या है, डिविजिबल बाय n है। तो आप कैसे लिखोगे, वी विल से दैट x माइनस एम इज डिविजिबल बाय n, x माइनस एम इज डिविजिबल बाय n, इट इंप्लाइज x m इज डिविजिबल बाय n, यस और नो? क्लियर है तक? ठीक है, तो ये क्या हो गया ट्रांजिटिव, और ये हो गया इक्विवेलेंस रिलेशन। बोलो भाई कोई डाउट है तो, क्लियर है तक? ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज
क्वेश्चन नंबर 34, शो दैट द लाइन आर वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस थ्री के कैप प्लस लैम्डा इनटू दिस एंड आर वेक्टर इज इक्वल टू फोर आई कैप प्लस जे कैप प्लस म्यू इनटू दिस इंटरसेक्ट। पहले तो आपको शो करना है इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, और फिर आपको फाइंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, फाइंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। देखो एक दोस्त जो मोस्टली इसमें जो माइंड में थॉट आती है पहले तो वही आती है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जीरो निकाल दो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जीरो हो जाएगा तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये प्रूफ हो जाएगा आपका, आपका प्रूफ हो जाएगा कि लाइन जो है वो इंटरसेक्ट करे, क्योंकि इंटरसेक्ट लाइन पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, जीरो, लाइन आपस में इंटरसेक्ट करिए, ठीक है। एक तो ये मेथड है इसको करने का। दूसरा मेथड क्या है जो मैं आपसे अभी डिस्कस भी कर रहा था, जब आप इसको क्वेश्चन को आपने किया, आई एम श्योर आपने भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाले उससे ही किया होगा, ठीक है। तो देखो अनदर मेथड इज, देखो दिस इज द क्वेश्चन, मैंने क्या किया यहां पर, देखो मैंने ये जो लाइन है आपकी वेक्टर फॉर्म में, मैंने इसको कार्टेशियन फॉर्म में चेंज कर दिया, पहले दे तो क्लियर है आप, ठीक है। मैंने इस लाइन को किस में चेंज कर दिया, कार्टेशियन फॉर्म में, मैं आपको यहां दिखाता हूँ इसको, ये देखो व्हाट आई डिड, ये जो लाइन थी मैंने इसको कार्टेशियन फॉर्म में चेंज कर दिया। तो कार्टेशियन फॉर्म में जब चेंज किया तो कैसे चेंज किया, देखो एल वन इक्वल टू इसके कोफिशिएंट क्या होते हैं, एक्स वन वाई वन जेड वन, और लैम्डा के साथ जो है पैरेलल वेक्टर होता है, तो यहां से क्या मिलता है, डायरेक्शन रेशियोज ए बी सी। और लाइन की इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में क्या होगी, एक्स माइनस एक्स वन बाय ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाय बी इक्वल टू जेड माइनस जेड वन बाय सी होता है। तो देखो x माइनस एक्स वन, तो x माइनस वन बाय टू होगा बिकॉज a आपका टू है, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, यहाँ पर जो x1 है आपका वो i का i के आपका कोफिशियंट है 1, और x2 जो है आपका वो है आपका 2, नॉट x2 y1 है, y1 क्या आपका 2 और z1 आपका क्या है 3, z1 इज 3, ये क्लियर हो गया। और अगर मैं abc की बात करता हूँ तो a हमारा क्या है 2, b हमारा क्या है 3 और c हमारा क्या है, ये क्लियर। अब देखो x माइनस एक्स वन बाय टू, तो x माइनस वन बाय टू होगा, x वन वन है और a आपका टू है, इक्वल टू y माइनस वाई वन बाय बी, तो y वन आपका क्या है टू, तो y माइनस वाई वन बाय थ्री होगा, z माइनस जेड वन बाय सी, तो z माइनस क्या होगा आपका, z माइनस ये कितना होगा आपका, z माइनस जेड वन थ्री अपॉन में फोर, ये क्लियर। और इसको इक्वल टू में आपने रखा है, ये सारी कहानी क्लियर, ठीक है। इसी तरह से इस लाइन में देखो, इस लाइन में x1 क्या होगा आपका 4 और y1 क्या होगा आपका j के आपका कोफिशिएंट 1, क्या यहां पर आपको z1 दिखाई दे रहा है, ये 0 है। इसमें डायरेक्शन रेशियोज क्या है आपके, a आपका क्या है 5, b आपका क्या है 2 और c आपका क्या है 1। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, x माइनस एक्स वन, तो x माइनस 4 बाय a, तो x माइनस 4 बाय 5, y माइनस वाई वन बाय बी, तो y माइनस वन बाय टू, और z माइनस जीरो, जेड वन का मतलब जीरो बाय वन, तो z बाय वन होगा। बोलो भाई ये कहानी क्लियर होगी। तो आपने क्या किया, दो कार्टेशियन फॉर्म, दोनों लाइन की कार्टेशियन फॉर्म बना दी, पहले बताओ ये क्लियर हो गया, दोनों लाइन की आपने क्या बना दी, कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है। अब आप क्या करो, देखो आप इस लाइन से एम के रिस्पेक्ट में एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल सकता हूं, मैं इस लाइन पर एक पॉइंट फाइंड कर, मतलब ये लाइन किसी पॉइंट से पास कर रही है इन टर्म्स ऑफ एम, वो पॉइंट फाइंड करो, अगर ये लाइन भी उससे पास कर रही होगी, दोनों का अगर पासिंग पॉइंट सेम है तो वो जो पॉइंट होगा इन टर्म्स ऑफ एम वो इसको सेटिस्फाई करेगा नहीं करेगा, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो देखो मैंने एक्स की वैल्यू निकाली इन टर्म्स ऑफ एम, क्या होगा टू इंटू एम, देखो यहां पर एक्स माइनस वन बाय टू, एक्स माइनस वन बाय टू इक्वल टू एम, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी 2m प्लस 1, ये क्लियर। आगे देखो y माइनस 2 बाय 3 इक्वल टू m, तो y की वैल्यू क्या होगी 3m प्लस 2, ये कहानी क्लियर। आगे देखो z माइनस 3 इक्वल टू क्या होगा 4m, तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी 4m प्लस 3, ये कहानी भी क्लियर, ठीक है। अब आप क्या करो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x y एंड z इन दिस इक्वेशन, समझ में आ रहा है, तो जहां x है, जहां ये x है वहां पुट कर दोगे 2m प्लस 1, फिर ये माइनस 4 बाय 5 ऐसे पुट करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी,
आ जाएगी। फिर यहाँ वाई की वैल्यू पुट करो तो क्या आ जाएगा, 3m+2 -1/2, तो ये वैल्यू आ गई आपकी। ऐसे ही आप जेड की वैल्यू पुट करो, 4m+3, तो यहाँ पुट करोगे ये आ जाएगा 4m+3/1। इसमें कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब आगे देखो। जब भी हम इक्वल रेशियो को सॉल्व करते हैं तो एक साथ तो तीन तो सॉल्व होंगे नहीं। मैंने इन दोनों को सॉल्व किया, क्या आएगा देखो, ये आ जाएगा आपका 2m-3/5, क्लियर है भाई? 2m-4+1 क्या होगा, -3। पहले बताओ ये चीज समझ में आ रही है? ठीक है देखो, जब आपने दोनों रेशियो को सॉल्व किया तो ये आ गया आपका 2m-3/5। इसको सॉल्व किया, 2 -1 1 हो जाएगा, 3m+1/2। अब देखो आगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 से इसको मल्टीप्लाई करोगे 4m-6, 5 से इसको मल्टीप्लाई करोगे 15m+5, एम की वैल्यू -1 आ रही है। यहाँ ये बाकी के ये जो दो रेशियोज हैं, जब मैं इनको सॉल्व करूंगा यहाँ से भी एम की वैल्यू यही आनी चाहिए, आनी चाहिए। तो देखो, तो इसको जब आपने, इसकी वैल्यू ये आई 3m+1/2, राइट? और ये आपका, इसको इक्वेट करो, इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे 3m+, और 2 को जब आप इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 2 4 जा 8m+2 3 जा 6, तो यहाँ भी m की वैल्यू माइनस। इसका मतलब ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहे ना, तो इसका मतलब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हुआ। इसका मतलब ये जो आपका पॉइंट है इन टर्म्स ऑफ m, ये x y z पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अब m की जगह क्या पुट कर देंगे, -1, तो आपका आंसर आ जाएगा। जब -1 पुट करोगे तो -2+1 क्या आएगा, -1, -3+2 -1, -4+3, तो ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आना चाहिए, यही आ रहा था। अगर यही आ रहा है तो आंसर तो ठीक है, पर ये उससे फार इजी वे है करने का, समझ में आ रहा है? तो आपने कहा कि अगर भैया m की वैल्यू सेम आ रही है तो L1 एंड L2 आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर, पहले तो ये क्लियर हो गया। ठीक है, तो रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन टर्म्स ऑफ m तो ये होगा, m की जगह -1 पुट करोगे, दिस विल बी द फाइनल, क्लियर है कहानी? ठीक है चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका और वाला, जो आपको नहीं करना, क्यों नहीं करना, यहाँ पे प्लेन आ गया आपके सिलेबस में। अब लास्ट क्वेश्चन करना है आपको, 35। फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू मॉडुलस x - मॉडुलस x+1। अच्छा क्वेश्चन, पहले मुझे ये बताओ, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं यहां इस फंक्शन के क्रिटिकल पॉइंट निकालता हूं, देखो मॉडुलस x का मतलब यही हुआ ना, या तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव x होगी या नेगेटिव x होगी, और यहां पे क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा आपका, 0 आएगा आएगा। तो मॉडुलस एक्स इक्वल टू या तो एक्स होगा व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या इसकी वैल्यू -x होगी व्हेन एक्स इज लेस देन 0, यस और नो? ठीक है, और मॉडुलस x+1, इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालो, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, -1। तो x+1 पॉजिटिव वैल्यू कब होगी, जब ये जो एक्स है वो इस क्रिटिकल पॉइंट के या तो इक्वल होगा या इससे बड़ा होगा, ऐसे लिखते हैं। और ये नेगेटिव कब होगा, जब इस क्रिटिकल पॉइंट से इसकी वैल्यू छोटी हो, ये क्लियर? ठीक है आगे देखो, अब ये सारी वैल्यू सब लेके चलते हैं। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखो, मैंने केस वन ले लिया व्हेन एक्स इज लेस देन -1। अब देखो जब एक्स की वैल्यू -1 से कम है तो मॉडुलस एक्स के केस में कौन सा वाली वैल्यू लूंगा, ये लूंगा ना, -1 से छोटा है यानी कि 0 से छोटा है। अगर एक्स -1 से छोटा है यानी कि मॉडुलस, देखो आपका जो फंक्शन है वो ये है, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स, और दूसरी वैल्यू क्या है, x-1, यही है ना आपकी? ठीक है, तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी जब x जो -1 से छोटा होगा, तो आपने कहा कि मॉडुलस x वाले केस में तो उसकी वैल्यू फिर -x हो जाएगी, ये है ना एफ एक्स की वैल्यू, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस x - मॉडुलस x+1। तो अगर x -1 से छोटा है तो इसकी वैल्यू तो आप क्या लोगे, -x, और इसकी वैल्यू क्या लोगे, -x+1। तो इसको सॉल्व करके एफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, ये क्लियर हो गया? एक्स लेस देन -1 में इसकी वैल्यू ही आ गई। चलो ठीक है आगे चलो, फिर आपने कहा फिर हमने केस टू लिया, केस टू में क्या कहा, जब एक्स की वैल्यू जो है -1 और 0 के बीच में,
ये माइनस वन आ गया, आपके क्रिटिकल पॉइंट दो आए, एक जीरो और माइनस, ये आया था। अब मैं कह रहा हूं जब एक्स माइनस वन के इक्वल है, माइनस वन से बड़ा लेकिन जीरो से छोटा है, सारी वैल्यूज देखो कैसे चलेगी आपकी। यहां पर एक्स जो है माइनस वन से छोटा है, ये ले लिया, फिर एक्स जो है माइनस वन से बड़ा है और माइनस वन के इक्वल, थोड़ा ऊपर जाओगे फिर एक्स क्या है जीरो से छोटा है, और फिर एक्स क्या है जीरो से इक्वल है, जीरो से बड़ा है। तो देखो पहले केस में मैंने इसको सॉल्व किया और फंक्शन की वैल्यू निकाली, मैंने इन दोनों को जोड़ दिया कि एक्स भैया जो है मेरा माइनस वन से बड़ा है या इक्वल है लेकिन जीरो से छोटा है, और थर्ड केस में क्या हो जाएगा एक्स जीरो या जीरो से बड़ा है। समझ आ रहा है, सभी केसेस में पहले फंक्शन की वैल्यू निकालना। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो एक्स जो है आपका माइनस वन से बड़ा है या माइनस वन के इक्वल है, तो मॉडुलस एक्स की वैल्यू तो यही आएगी ना, माइनस एक्स माइनस वन के इक्वल, तो मैं अभी तो यही वैल्यू ले सकता हूँ, माइनस वन के इक्वल है माइनस वन से बड़ा, तो जीरो से छोटा ही होगा। समझ में आ गया, और यहां से क्या वैल्यू लोगे एक्स प्लस वन, ये क्लियर हुआ। तो बेसिकली ये समझ में आ गया आपको कि जब एक्स माइनस वन या माइनस वन से बड़ा होगा तब हम उसकी जगह क्या पुट करेंगे, माइनस एक्स, देखो ये वाला ये वैल्यू पुट करेंगे, जब एक्स जो है माइनस वन के इक्वल है माइनस वन से बड़ा होगा, तो यहां से तो देखो जो वैल्यू आएगी आपकी वो माइनस एक्स ही आएगी, और मॉडुलस एक्स प्लस वन से जो वैल्यू आएगी वो एक्जैक्टली एक्स प्लस वन आएगी, ये कहानी क्लियर, ठीक है। तो जब आपने दोनों की वैल्यू पुट की तो देखो यहां पर तो आ गया माइनस एक्स और इसकी जगह आ गया माइनस ऑफ एक्स प्लस, इसको सॉल्व करके फंक्शन की वैल्यू आ रही है वन, ये क्लियर हो गया। ये मॉडुलस एक्स की जगह क्या आ गया माइनस एक्स, और यहां से क्या आ गया माइनस ऑफ एक्स प्लस वन, ये देखो एफ एक्स की वैल्यू क्या है आपकी, मॉडुलस एक्स माइनस मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस वन, यही है, ठीक है। हम ये कह रहे हैं कि जब एक्स जो है माइनस वन से के इक्वल है माइनस वन से बड़ा लेकिन जीरो से छोटा है, जीरो से क्या है छोटा, तो देखो जीरो से छोटा है तो मॉडुलस एक्स के केस में वैल्यू क्या रखूंगा मैं, माइनस एक्स रखूंगा, और मॉडुलस एक्स प्लस वन के केस में वैल्यू क्या लूंगा, जब एक्स माइनस वन के इक्वल है उससे बड़ा है तो एक्स प्लस वन, तो इसकी जगह आपने वैल्यू रखी एक्स प्लस वन, ये क्लियर। इसको सॉल्व करोगे तो माइनस एक्स और प्लस माइनस माइनस वन, तो ये आ रही है माइनस टू एक्स माइनस वन, क्लियर हो गया, ठीक है। चलो जी ये भी हो गया, फिर आते हैं थर्ड केस में। थर्ड केस में आपने क्या कहा, अब जो एक्स है आपका वो जीरो के इक्वल है, जीरो से बड़ा और वन से छोटा, अब ये वाला केस तो कोई है नहीं, नहीं है ना कोई केस ऐसा। आपने केस क्या लिया, एक्स जीरो के इक्वल है, जीरो से बड़ा और वन से क्या है छोटा, तो सिंपल सी बात ये है, इसको मैं यही लिख सकता हूँ ना फिर, कि एक्स जो है केस थ्री में क्या होगा जीरो है, जीरो से बड़ा, तो उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, केस थ्री वो बनेगा ही नहीं, तो केस थ्री में सिर्फ सीधा क्या लिखोगे कि एक्स जो है भैया जीरो है, जीरो से बड़ा है, एक्स की वैल्यू जो है जीरो या जीरो से बड़ी है, ठीक है। तो जहां पर मॉडुलस एक्स की बात है, एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू क्या है आपकी जीरो या जीरो से बड़ी है, अब देखो यहां पर मॉडुलस एक्स की बात है तो इसमें कौन सी वैल्यू लोगे, एक्स, सीधी सी बात है, और जहां तक इसकी बात है इसमें यही वैल्यू लेनी पड़ेगी, माइनस वन के इक्वल है माइनस वन से बड़ी, वही फिर जीरो से बड़ी हो सकती है, तो यहां पर कौन सी वैल्यू लोगे, एक्स प्लस वन, ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो आपने जब ये दोनों वैल्यूज को रखा होगा तो फंक्शन की वैल्यू कुछ ये आएगी माइनस। अब जितने भी केसेस थे आपके उसमें आपने फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर दी कि जब एक्स माइनस वन से छोटा है तो वैल्यू क्या आई, वन, जो आपका केस वन था, ये देखो जब एक्स माइनस वन से छोटा है तो वैल्यू क्या आई, वन, जब एक्स माइनस वन से बड़ा और जीरो से छोटा है तब आपकी वैल्यू क्या आई, माइनस टू एक्स माइनस वन, और जब एक्स आपका जीरो है जीरो से बड़ा है तो भी वैल्यू क्या आई, माइनस वन। पहले बताओ ये सारी चीजें क्लियर, तो ये आपकी वैल्यूएशन आई। अब आप यहां पर ये फंक्शन की वैल्यू निकालती सब सभी उस पर, अब यहां पर हम लिमिट चेक करें, तो देखो यहां पर लिमिट जो चेक करने के लिए दो ही पॉइंट है आपके पास, एक है माइनस वन और एक है जीरो, ये मानते हो। जब मैं माइनस वन पे चेक करूंगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो मेरी यही होगी, एक्स माइनस वन से छोटा, और राइट हैंड लिमिट पे एक्स एक्स की फॉर्म में गिवन है, तो मुझे इसको सॉल्व करना होगा, मेरी बात समझ में आ रही है। लेफ्ट हैंड लिमिट में तो सिंपल सी बात है भैया, आपने कहा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन माइनस, तो ये कितना आएगा, वन आएगा,
बेटर लिमिट में लिखोगे ना एक्स अप्रोचेस टू माइनस वन प्लस, जो भी वैल्यू हो फाइनली इसको क्या लिखते हैं, एच अप्रोचेस टू जीरो। जब एक्स माइनस वन से बड़ा है, जब एक्स माइनस वन से बड़ा है तो कैन आई से दैट जो फंक्शन की वैल्यू है वो माइनस टू एक्स माइनस वन है। जब एक्स माइनस वन से बड़ा है तो आपने क्या लिखा कि जब एक्स माइनस वन से बड़ा है यानी कि राइट हैंड लिमिट, तो फंक्शन की वैल्यू जो है माइनस टू एक्स माइनस वन है। फिर हम इसको किस में कन्वर्ट करते हैं, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो। अब अगर माइनस वन प्लस है तो एक्स की जगह क्या लिखोगे, माइनस वन प्लस एच। तो एक्स की जगह आपने क्या लिखा, माइनस वन प्लस एच। अब एच की जगह जीरो रखो तो ये माइनस टू और माइनस वन कितना हो जाएगा, टू और माइनस वन तो कितना आ गया, वन। तो भैया ये भी वन ये भी वन, तो ये कंटिन्यू कंटिन्यूस हुआ डिसकंटिन्यूस हुआ, कंटिन्यूस पहले बता दीजिए, बात समझ में आ रही है, क्लियर आया था। ठीक है, तो जब एक्स माइनस मैंने माइनस वन पे जब लिमिट को चेक किया तो ये तो भैया इस पर तो कंटिन्यूस आ रहा है। ठीक है, अब चेक करते हैं जीरो पर, तो लेफ्ट हैंड लिमिट जब एक्स जीरो से छोटा है। अब देखो इधर, जब एक्स जीरो से छोटा है, जब एक्स जीरो से छोटा है तो फंक्शन की वैल्यू ये है, जीरो से पड़ा तो डायरेक्ट वैल्यू है आपके पास माइनस। जब एक्स जीरो से छोटा है तो आपने कहा लेफ्ट हैंड लिमिट व्हेन एक्स इज लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो माइनस। जब एक्स जीरो से छोटा है तो फंक्शन की वैल्यू है माइनस टू एक्स माइनस वन, पहले बताओ ये क्लियर। ठीक है, तो लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, जीरो माइनस का मतलब एक्स की जगह क्या होगा, जीरो माइनस एच होगा, नहीं होगा, एक्स की जगह क्या हो जाएगा, जीरो माइनस एच, ये क्लियर हुआ। ठीक है, तो जैसे आपने यहाँ पर एच की जगह जीरो पुट करोगे तो सारे ही जीरो, तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो आ रही है माइनस। और जब एक्स जीरो से बड़ा है, जब एक्स जीरो से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है, माइनस वन। तो यहाँ भी आपका जो वैल्यू है वो क्या आ रही है, इस पॉइंट पर भी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट मेरी क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब एफ इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर इन इट्स डोमेन, दैट इज देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यू। इस तरह से क्वेश्चन, पहले आपको पूरा फंक्शन बनाना पड़ेगा और फिर आप उस पे लिमिट्स को चेक करो, समझ में आ रहा है। अब मैं ये पूछूंगा इनकी ये हुआ था या नहीं हुआ था। ठीक है, मतलब कि मेरा कहने का मतलब है इसमें ये तो कोई वैल्यू ही नहीं है, आपको जो पॉइंट्स यहाँ पर बनेंगे उन पॉइंट्स पर पहले फंक्शन की वैल्यू निकलेगी, फिर उन पॉइंट्स पर आप कंटिन्यूटी चेक करोगे। कहाँ से हो तो मुझे पता है आप ज्ञानी महाज्ञानी हो, क्लियर हो गया। ठीक है, ये सेक्शन डी हमारा कंप्लीट।